एक्यूज नंबर वन ऑफ द लीकर करप्शन इज मिस्टर मनीष सिसोदिया बट द किंग पेन ऑफ करप्शन करप्शन इज अरविंद केजरीवाल और आज की प्रेस वार्ता से साफ पता चलता है कि शराब के घोटाले के बाद चेहरे का रंग हाव भाव सब मनीष सिसोदिया जी के उड़े हुए थे शराब के भ्रष्टाचार के कारण वो पत्रकारों के प्रश्न के उत्तर भी नहीं दे पा रहे थे और यह स्वयं उन्होंने माना कि शराब के घोटाले की चिंता ना करें मनीष सिसोदिया जी ने कहा शराब के घोटाले की चिंता ना करें यह तो मान लिया शराब का घोटाला हुआ अब पहली बात यह आती है कि मनीषी आखिरकार अगर आपकी शराब नीति ठीक थी तो वापस क्यों ली क्या ऐसी मजबूरी थी आपकी हालत तो ऐसी थी कि चोर को दाढ़ी में तिनका दिखा तो उसने बचने के लिए दाढ़ी मुंडवा दी तो मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल जी ने भी शराब नीति में भ्रष्टाचार दिखा तो नीति वापस ले ली मेरा सवाल इनसे यह है कि मनीष सिसोदिया जी बताएं कि मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को रिटेल में ठेके की अगर अनुमति नहीं होती थी तो आपने क्यों दी मनीष सिसोदिया जी से मेरा दूसरा सवाल यह है और अरविंद केजरीवाल जी से कि कार्टल कंपनियों को शराब बेचने की ठेका क्यों दिया अगर दिया तो क्यों आप यह भी बताइए कि खाओ गली और इंडो स्पिरिट जैसी ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को क्या आपने ठेका दिया या नहीं एक सवाल मेरा और भी है कि 25 अक्टूबर को जब दिल्ली के ही एक्साइज डिपार्टमेंट ने ब्लैकलिस्टेड कंपनियों को और बाकी कंपनियों को नोटिस दिया था तो इस पर अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने क्या कार्रवाई की आम आदमी पार्टी की सरकार ने क्या कार्रवाई की यह आम आदमी पार्टी की सरकार ये रेवड़ी की सरकार भी है बेवड़ी सरकार भी है क्योंकि जिस तरह से इनके एक वरिष्ठ नेता ने यह कहा कि हमें कोविड से लेना देना नहीं अरे भाई कोविड में तो आपने कुछ किया ही नहीं दिल्ली में देश में हाहाकार मची दिल्ली के कारण वो देखने को मिला इनके नेता ने कहा कोविड से हमें लेना देना नहीं तो भाई शराब वालों से क्या लेना देना था आपका ये तो बता दो मेरा इनसे एक और सवाल है कि आखिरकार शराब माफिया को बगैर कैबिनेट अप्रूवल के 144 करोड़ रुपया क्यों वापस किया किसके कहने पर किया क्या मनीष सिसोदिया ने अकेले किया या अरविंद केजरीवाल जी की सहमति थी किसके कहने पर देश की जनता का दिल्ली की जनता का पैसा शराब के व्यापारियों को मिली भगत से वापस किया इसका जवाब अरविंद केजरीवाल जी को देना ही होगा वो आज तक सवालों के जवाब से भागते हैं सवाल देश की जनता बार बार पूछती है कि शराब के व्यापारियों के प्रति ये इतने नरम दिल क्यों किसको कितना मिला कैसे मिला इसकी जड़ तक जाना ही होगा आप अपने शराब के घोटाले को बाकी बातों से ना ढकने का प्रयास करें क्योंकि आपका असली चेहरा सामने आया है और यही नहीं ये लोग सच्चाई से भागते हैं या आम आदमी पार्टी के नेता चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या बाकी हो ये सच्चाई से भागते हैं ये जिम्मेदारी से भागते हैं ये सवालों से भागते हैं अब ये जनता से भी दूर भागेंगे और आज जब मीडिया के मित्र सवाल पूछ रहे थे तो मनीष जी उल्टे पांव भाग रहे थे मीडिया के सवालों से पीठ दिखाकर भाग सकते हो जनता से भी ऐसे ही मनीष सिसोदिया अरविंद केजरीवाल को भागना पड़ेगा और ये जो तीस करोड़ रुपए तीस करोड़ रुपए जो ईएमडी अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट हुआ था ये क्यों वापस किया अगर वो अनुमति नहीं ले पाए तो आपने इनके पैसे क्यों वापस किए ये पैसे वापस किए तो आपकी जेब में कितने आए इसका जवाब आपको देना होगा मैं यही नहीं ये सारे सवालों का जवाब अरविंद केजरीवाल जी को खुली चुनौती देता हूं अगर दम है तो अरविंद केजरीवाल जी मीडिया के सामने आए देश के सामने आए 24 घंटों के अंदर जवाब दें। ना ये सीबीआई के जवाब दे पा रहे हैं ना ये मीडिया के जवाब दे पा रहे हैं और इसीलिए मैंने कहा ये सच्चाई से भागते हैं जिम्मेदारी से भागते हैं सवालों से भागते हैं अब जनता से भागेंगे आपने ठेकों की आपकी सरकार ने केजरीवाल जी और सिसोदिया जी ने जो ठेकों की कमीशन दो प्रतिशत से बढ़ाकर बारह प्रतिशत क्यों की और एक्यूज नंबर वन मनीष सिसोदिया जी से सीधा सवाल है कि ये जो बिचौली है जिनको अलग अलग इनमें एक्यूज ठहरा गया उनसे इनके रिश्ते क्या है अरविंद केजरीवाल जी और मिनोज सिसोदिया जी के रिश्ते क्या है इनसे यह जवाब देना ही पड़ेगा मित्रों ये लोग जनता के सामने और जनता की आंखों में धूल धूल झोंकने का प्रयास करते हैं राजनीति में आने से पहले भ्रष्टाचार के खिलाफ आंदोलन तो करते थे लेकिन आज तक उस पर किया क्या इतना ही किया कि आकर भ्रष्टाचार के नए रिकॉर्ड बनाने अरविंद केजरीवाल जी जो किंग पिन है भ्रष्टाचार के और अक्यूज नंबर वन मनीष सिसोदिया जी ने किया और मनीष जी ने तो मनीष सिसोदिया ने अब अपने नाम की स्पेलिंग भी शायद चेंज कर लिए हैं अब इनका अगला आ गया है एम ओ एन ई वाई मनी कमाई करो और चुप रहो मनी मनी यह है घोटाले करो उल्टे पांव भागो जनता को पीठ दिखाओ मीडिया के सवालों का जवाब न दो और कोई महिला पत्रकार पूछे उसको तो लताड़ करके धमकी देने का का काम करो इससे निंदनीय बात कुछ नहीं हो सकती महिला सशक्तिकरण तो दूर महिलाओं को अपमानित कैसे करते हैं ये आम आदमी पार्टी के नेताओं ने दिखाया है मुझे इतनी बात कहनी थी आप अपनी बात कह सकते हैं मेरा विनम्र निवेदन होगा माननीय आदेश गुप्ता जी से पहले हम तीनों लोगों के वक्तव्य दिलवा देते हैं पुनः आप अनुराग जी से सीधा सवाल कर सकते हैं माननीय आदेश गुप्ता जी धन्यवाद संजय जी आज की प्रेस वार्ता में उपस्थित केंद्रीय मंत्री और पार्टी के वरिष्ठ नेता श्रीमान अनुराग ठाकुर जी और पार्टी के सांसद और वरिष्ठ नेता श्री मनोज तिवारी जी सभी मेरे पत्रकार मित्रों को मेरा नमस्कार अभी बहुत सारे सवाल अनुराग जी ने मनीष सिसोदिया और अरविंद केजरीवाल से किए किसी भी सवाल का उनके पास जवाब नहीं है दिल्ली के अंदर नई शराब पॉलिसी जब इन्होंने बनाई थी तो उसकी गुणगान करते ये लोग थकते नहीं थे पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस मनीष सिसोदिया जिस समय कर रहे थे शराब की नई नीति 21 नवंबर को लॉन्च की तो पत्रकार ने पूछा आप नई शराब नीति क्यों ला रहे पुरानी शराब नीति में सबसे अच्छा मॉडल है जिसको कई राज्यों ने अपने यहां लागू किया क्योंकि उसमें बेईमानी की गुंजाइश नहीं है तो पत्रकारों को जवाब देते हुए मनीष सिसोदिया कहते हैं कि ये शराब नीति दिल्ली में शराब के इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन के लिए काम करेगी लोगों को तकलीफ होती है कुछ महिला और युवा साथी जो गांव में रहते हैं उनको गांव से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है अपनी कॉलोनी से दूर जाके शराब लेनी पड़ती है क्योंकि मास्टर प्लान इस बात की इजाजत नहीं देता है दिल्ली के सौ वार्ड ऐसे हैं जहां पर मास्टर प्लान के मुताबिक वहां शराब के ठेके ही नहीं सकते हैं दिल्ली की आम आदमी पार्टी सरकार ने ही शराब की नीति इसलिए लाए कि शराब का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कर सके उस जनता को साफ पानी का इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी उनको उनको सीवरेज सिस्टम की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी उनको परिवहन व्यवस्था की इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की चिंता नहीं थी उनको दिल्ली के लोगों को युवाओं को शराब के नशे में कैसे झोंका जाए इसकी चिंता थी और जो सवाल आज अनुराग जी ने उठाए मैं उसमें से दो तीन सवाल और जोड़ना चाहता हूं क्या वो इस बात का जवाब देंगे कि आपने शराब माफिया को फायदा पहुंचाने के लिए ड्राई ड्राइडे होते थे इतिहास में आजादी के बाद पहली बार किसी सरकार ने किसी राज्य में 21 ड्राई डे की संख्या को घटाकर तीन किया गुरु गोविंद सिंह जयंती होली दीपावली रामनवमी मोहर्रम ऐसे त्योहार जो जिन पर्वों पर बिल्कुल शराब बंदी थी उन त्योहारों पर भी शराब पीने का खोलने का काम ड्राइडे की संख्या घटाने का काम क्यों किया